मुझे फोबिया है, मुझे एरोप्लेन में बैठने से डर। क्या कह रहे थे, क्या चाहिए? हैप्पी न्यू ईयर और आई होप ये साल हम सब के लिए अच्छा जाए। बट सुबह से ये न्यूज अच्छी नहीं आ रही है ना हरीश? बहुत ज्यादा है ना बैड न्यूज। आज मॉर्निंग में भी न्यूज आई थी, मॉर्निंग में जो वैष्णो देवी वाली न्यूज आई है, सो बैड न्यूज यार। लोग हम लोग अच्छे के लिए वहाँ भगवान जी के वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं, वहाँ पे घूमने जा रहे हैं। हाँ आज तो बड़ा खुश हो गए, रो रही थी पूरे, इसको घुमाने इसको बोल दिया था ना घूमने के लिए, रो ही जा रही थी। चलो उसको घुमा के लाते हैं। थोड़ी देर सोच रहे थे कब जाएगा कब जाएगा, दोबारा से वापस आ गया। तो दिल्ली में बड़ी प्रॉब्लम है ना, गाड़ी में मास्क लगा के बैठना पड़ता है। यहाँ पे चलान है, चलान 2000 रुपए का अच्छा वाला। हाँ तो मास्क लगा के बैठना पड़ता है यहाँ पे। ऋषि से हाय टू एवरीवन, हैप्पी बर्थडे टू यू। दूध पीना है? दूध पीना ही नहीं। ये काम चल रहा है मेट्रो का। अच्छा था। और लैंडिंग का एक्सपीरियंस कैसा था? लैंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी। ऐसा लगा था जैसे कि बिल्कुल ही नीचे गिर जाएगा। अरे मम्मा तुम तो डर गई थी। मैं तो रो पड़ी थी, मेरे साथ वाली भी डर गई थी जो इतनी देर से आराम से बैठी हुई थी। ठीक है, क्योंकि एकदम से टो ऐसा करके हुआ था। नोज तो मुझे दिया था तुमने। हाँ तो डर भी तो लग रहा था मुझे। मुझे फोबिया है, मुझे एरोप्लेन में बैठने से डर लगता है, तो इसमें मेरी कोई गलती है नहीं है। जरूरी नहीं है हर किसी को अच्छा लगता होगा प्लेन में बैठना। मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे अच्छा लगता पर मुझे बहुत डर लगता है उसमें बैठ के। क्योंकि हुआ यूं था, जब हम गोवा से आ रहे थे तो बीच में बहुत ज्यादा टर्बुलेंस हो गई थी, बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि ऐसे खड़ो 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 हो रही थी, वेदर खराब था तो ऐसे खड़ो खड़ की आवाज आ रही थी ऐसे। मतलब तो उस दिन से मेरे को डर लगने लगा। उस दिन मतलब हम गोवा से तब आ रहे थे जब मेरी हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, मैरिज एनिवर्सरी, तो हम आ रहे थे वहां से। इतनी टर्बुलेंस, प्लेन के इंसिडेंट भी देखे तुमने ऐसे कुछ? हाँ इंसिडेंट तो खैर कोई हर कोई देख लेता है, लेकिन जब वो टर्बुलेंस थी तो वो बहुत ज्यादा टर्बुलेंस थी, तो इस वजह से मुझे तो बहुत डर लगा था। और क्या, मैं आज की बात नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने सीरियसली पूरे रास्ते टर्बुलेंस हुआ था, उस समय वेदर खराब था, बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, बहुत टर्बुलेंस। उस दिन के बाद से ना मुझे इतना डर लगने लगा है। मैं इनको कहती हूँ मुझे ट्रेन से मैं चली जाना पसंद करूंगी, लेकिन मुझे इतना डर लगता है प्लेन से। ये देखो कैसे निकल के गया, ये देख लो ऐसे निकल के गया, आपने पीछे से देखा होगा। इतनी तेज चलाते हैं बाइक वाले, इनको बिल्कुल डर नहीं लगता। इनके घर में इनका कोई वेट कर रहा होता है, इनको कोई डर नहीं। लेफ्ट साइड में लेन बनी हुई है, हाँ वहाँ पे चलाना है, वहाँ पे चलाना है, लेकिन ये बीच बीच में चलाते हैं। आप कुछ कहना चाहती हो क्या? ये कहना चाहते हो, ये पता है कल से ना 2 दिन हो गए इसको, 2 दिन से क्या कह रही है, मुझे पापा बैलून ला दो बैलून ला दो। बैलून रखे हुए हैं इसके पास ना, हमें मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ रखे हैं, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। और अभी रेड लाइट पे बैलून, हाँ हाँ अभी तो रेड लाइट पे बैलून वाला दिख गया, तो कह रही मम्मी बैलून बैलून बैलून। दिशु देखो वो बच्ची कैसे देखो खा रही है, उसके पास खाने को नहीं है लेकिन वो बेचारी देखो उसमें से खा रही है। और हम लोगों को मिलता है ना आप लोगों को खाने को, लेकिन आप लोग खाते नहीं हो हैं? जिनको नहीं मिलता उनको देखो बेबी, आप तो बिल्कुल खाना नहीं खाती हो हैं? आप बिल्कुल खाना नहीं खाती हो, सुनना ही नहीं है। हाँ उनको नहीं मिलता, वो बेचारे देखो खा ली उसमें से भी खा रही थी है। दीशी इधर देखो मम्मा की साइड नहीं देखना, क्यों टायर भरवाने गए हैं?
हवा। अदीशु क्या कर रहे हैं पापा? पापा टायर में हवा भरवा रहे हैं। ये आपने देखो सारे निशान लगा रखे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये सारे निशान ना आपके हैंड्स के ही हैं। क्या हो गया भाई? मुझे देख इधर क्या हुआ है बताओ। खोल तो देखो गाइस क्या कह रही है। ये खोल दो, ये खोल, खोल के हम नहीं बैठ सकते ना बेटा बाहर। पापा देख टायर में हवा भरवा रहे हैं। क्या हुआ, भर गई? नहीं भैया कर रहे हैं अभी, टाइम लगता है थोड़ा सा ना। अच्छा, अरे वो गैस पूछ रहा था नाइट्रोजन वाली ना। अच्छा, उसे उसे गाड़ी में ना पंचर होने का ना बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता। अच्छा, सही, उसे ना ठंडे रहते हैं टायर। अच्छा गाइस इसको देख लो भाई, किसी को मत देखो तुम, इस लड़की की पीछे बैठोगे आप तो छुपी के साथ ना करो आप। क्या खाना है तुम्हें? है बर्गर किंग भी है। हाँ क्या खाना है? डोमिनोज। डोमिनोज खाए नहीं ना काफी दिन से? खाए तो नहीं है। होम स्वीट्स? होम स्वीट्स भी है, कुछ ले जाना है घर पे तो। लाइन लगी हुई है यार यहाँ पे, मैं पिज्जा हट का पिज्जा नहीं खाती हूँ। तो अभी हम कहाँ हैं? क्या कह रहे हो? चल रहे अंदर बैठ के खाएं क्या? डोमिनोज चले? चलो डोमिनोज ही है, ये पिज्जा हट है, डोमिनोज चलते हैं। नहीं भैया अभी ये डोमिनोज आए हैं, रश रश तो नहीं है यार इतना ना, इतना रश नहीं है। यहाँ बैठ जाओ, सैनिटाइजर लेके आऊँ, पहले ऑर्डर कर दो। क्या कह रहे थे फिर, क्या चाहिए? बॉल? हाँ हाँ अभी लेंगे। तो दिशु बार बार बैलून कह रही है, बैलून चाहिए, बैलून चाहिए, बैलून चाहिए आपको? हाँ चलो आज आपको बैलून दिलाते हैं। हाँ ये देखो यहाँ पे पहले कुछ खा ले आपके लिए, भूख लग रही होगी ना, है नहीं खाना? ओ ले लो भैया, इसको चाहिए ना बैलून, तो इसे मिल गया बैलून आपको? एक मिनट को, कितने का है? दे दो बेटा, सैनिटाइजर जरूरी है ना, ये ले ठीक है। हैप्पी यहाँ बैठो, सिटे क्या अब ठीक हो, खुश हो आप? क्या कर रहे है बहू? हैं अच्छा, अब इसको बैलून मिल गया ना, अभी बैलून से खेलती रहेगी, शांत हो गई, पूरे रास्ते बैलून बैलून बैलून। अच्छा बहू बहू ये देखो गाइस कैसे बातें कर रही है बच्चों के साथ, देखो बैलून दिया ना उससे, उससे बातें कर रही है, देखो देखो छोटे बच्चे। गाइस वहाँ पे पिज्जा हट है और डोमिनोज है, डोमिनोज में ना टेक अवे ही है, वहाँ बैठ के नहीं खा सकते है ना, तो फिर हमने यही ले लिया। गार्लिक ब्रेड दिए, गार्लिक ब्रेड के साथ चीज़ी डिप नहीं दी, तो इसके पापा गार्लिक ब्रेड के साथ चीज़ी डिप लेने गए हैं, पता नहीं दी नहीं उन्होंने। तो गाइज हाँ हमने अपना न्यू ईयर तो ऐसे ही मनाया, और आप ये देख रहे हैं सारी बिल्डिंग्स कितनी सुंदर, सब में लाइटिंग हो रखी है, और सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे ना जितने भी ऑफिसेज हैं मॉल्स हैं यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स ऐसे ही सुंदर से सजी हुई थी। और बस हमने तो न्यू ईयर पे ऐसे ही किया था, हम ज़्यादा कहीं भीड़ भाड़ में गए नहीं थे, क्योंकि कोविड फैल रखा है तो ज़रूरी नहीं ना हम लोगों को वहाँ भीड़ भाड़ में जाना और ज़बरदस्ती बीमारी मोल लें, तो इस वजह से हम लोग तो बस ऐसे ही सिंपल सा हमने शाम को चले गए थे, और बस हमने यही किया था जो आपने देखा। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी फैमिली का मेम्बर बनिए। और देखिए कितनी सुंदर लाइटिंग हो रखी है सारी जगह, देखिए। आज के लिए इतना ही, बाय।